झारखंड करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे योजनाएं। ठीक है, झारखंड की योजनाएं। सबसे पहले पढ़ते हैं सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना 2023। तो सबसे पहले जानने का कोशिश करते हैं सावित्री बाई फूले कौन थी। तो ये देश की पहली महिला शिक्षिका थी। कौन? सावित्री बाई फूले देश की पहली महिला शिक्षिका थी और साथ में समाज सेविका थी। इनके नाम पे स्टार्ट किया गया है सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। इसमें है क्या? छात्राओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया है। योजना के लाभार्थी कौन होंगे? तो कक्षा 8 से लेके, मतलब कक्षा 8 से वैसी बालिकाएं जो कक्षा 8 में पढ़ती है उनको ये योजना का लाभ मिलेगा। और कब तक मिलेगा? 19 साल की उम्र तक मिलेगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह को खत्म करते हुए महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देना है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत देश में सबसे ज़्यादा बाल विवाह झारखंड राज्य में होता है। कहने का मतलब बाल विवाह में अव्वल है झारखंड राज्य, और शून्य कहाँ का है? तो केरल, जहाँ की शिक्षा 100% है। इसका मतलब जितना ज़्यादा शिक्षा फैलेगा उतना ज़्यादा बाल विवाह कम होगा, खत्म होगा, और शिक्षित होने से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए इस योजना का उद्देश्य क्या है? छात्राओं को शिक्षा से जोड़ना। योजना का लाभ, 19 साल की उम्र पूरी होने तक 40,000 का कुल लाभ मिलेगा। कितना लाभ मिलेगा? 40,000 का। और ये लाभ कौन देगी? झारखंड सरकार देगी। इस योजना का लाभ, ये केंद्र की योजना नहीं है, झारखंड की योजना है। तो इस ये 40,000 रुपया कौन आपको देने वाली है? तो झारखंड सरकार। कक्षा 8 में 2500 मिलेगा, कक्षा 9 में 2500 मिलेगा। मतलब कक्षा 8 और 9 मिला, कुल मिला के कितना हो गया? 5,000 रुपया। उसके बाद कक्षा 10, 11 और 12, मतलब कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं में 5,000 मिलेगा। कुल मिला के कितना मिलेगा? तो 15,000 रुपया। तो आपको 8 से लेके 12वीं तक कुल 20,000 रुपये, या 5,000 प्लस 15 कुल 20,000 रुपया मिला। और बाकी 20,000 रुपया 18 वर्ष के बाद 19 वर्ष के उम्र तक, मतलब 18 साल पूरा होने के बाद आपको 19 साल के उम्र के अंदर ही एक मुश्त बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दूसरी योजना है झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। दूसरी योजना कौन है? झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इस योजना में 30,000 रुपये की, इस योजना में 30,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है। किनको? बालिकाओं को विवाह में। ठीक है, इस योजना का लाभ किसको मिलेगा? तो बीपीएल परिवार को, मतलब बीपीएल मतलब क्या? बिलो पॉवर्टी लाइन, आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। दूसरा, बालिका की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। मतलब बालिका क्या होना चाहिए? बालिक होना चाहिए। ठीक है, बाल विवाह को कोई भी सरकार प्रोत्साहन नहीं देता, इसलिए कम से कम 18 साल उम्र होनी चाहिए। दूसरी क्या है? बीपीएल परिवार को होनी चाहिए। तो ऐसे लड़कियों को शादी के लिए 30,000 रुपये झारखंड सरकार देगी। इस योजना का नाम है झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तीसरी योजना है झारखंड अंतरजातीय विवाह योजना। तीसरी योजना कौन सी है? झारखंड अंतरजातीय विवाह योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना। इसके लिए जोड़े को सहायता राशि दी जाती है। ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन यह है कि शादी करने वाले दंपति, मतलब पति पत्नी में से एक को स्वर्ण जाति, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल कास्ट, एक स्वर्ण जाति और दूसरा अनुसूचित जाति, मतलब एससी का होना चाहिए। तो एक जनरल कास्ट का और दूसरा एससी का होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से कोई एक जनरल का और दूसरा एससी का होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का सहायता राशि क्या है? तो डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा 2.5 लाख रुपया दिया जाता है और झारखंड सरकार के द्वारा 50,000।
कुल सहायता राशि 3 लाख रुपया दिया जा रहा है। तो ये जो डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा 2.5 लाख रुपया दिया जा रहा है, ये पूरे भारत में दिया जाता है। और इसमें हमारी झारखंड सरकार कितनी जोड़ रही है, तो 50,000 रुपया जोड़ रही है। तो अगर आप झारखंड के निवासी है और इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, तो आपको कुल 3 लाख रुपया सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और इस योजना का एकमात्र उद्देश्य है राज्य में भेदभाव को खत्म करना। अगली योजना है सिद्धू कान्हू आवास योजना, ठीक है। इस योजना के तहत 45,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। किस चीज़ के लिए? आवास निर्माण, घर बनाने के लिए 45,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। लेकिन काम मतलब निर्माण स्वयं करवाना होता है, मतलब आप अपना घर स्वयं बनवा रहे हैं, तो उसमें 45,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन इसका कंडीशन क्या है ये भी समझ लेते हैं। लाभार्थी गांव का चयन किस आधार पे होता है, मतलब किस गांव को सिद्धू कानू आवास योजना का लाभ मिलेगा? तो सबसे पहला कंडीशन है उस गांव में अनुसूचित जाति एवं जनजाति मतलब SC और ST की आबादी कम से कम 50% होनी चाहिए। मतलब ऐसी गांव जहां SC और ST मिला के कम से कम कुल आबादी का 50% हो, उस गांव में सिद्धू कानू आवास योजना का लाभ मिलेगा। दूसरा है लाभार्थी पहले किसी भी दूसरे आवास योजना जैसे इंदिरा गांधी आवास योजना या किसी दूसरे योजना का लाभ ना लिया हुआ हो। और अंतिम है कि उस गांव में कम से कम 50 परिवार होनी चाहिए। उस गांव में कम से कम 50 परिवार होनी चाहिए और उस गांव की आबादी कम से कम 200 होनी चाहिए। तो अगर जो गांव इस कंडीशन को फुलफिल करता है, वहां सिद्धू कानू आवास योजना के तहत 45,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है आवास बनाने हेतु। अगली योजना है मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, ठीक है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार की गरीब परिवार की लड़कियों को प्रोत्साहन राशि मिलता है। और वो प्रोत्साहन राशि क्या है? जन्म के समय 6,000 रुपया से लेके 5 साल तक प्रत्येक वर्ष 6,000, मतलब कितना हो गया, जन्म के समय 6,000 और हर साल 6,000, कुल 30,000 रुपया डाक जमा योजना के माध्यम से प्रदान किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कक्षा 6 में प्रवेश करने पे 2,000 रुपया, कक्षा 9 में प्रवेश करने पे 4,000 रुपया, कक्षा 11-12 में प्रवेश करने पे 7,500 रुपया दिया जाता है। मतलब 30,000 इधर दिया गया, उसके बाद 2,000, 4,000, 7,500 उसके बाद दिया गया, कब? 6, 9, 11, 12 में। और योजना की अवधि पूरी होने पे 1,08,000 रुपया खाते में डायरेक्ट भेज दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को उस शिक्षा में योगदान देना है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का एकमात्र उद्देश्य है शिक्षा को बढ़ावा देना। किन की? बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना। उम्मीद है झारखंड करंट अफेयर्स सीरीज में आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।